सांस रोक देने वाला आईपीएल का एक और मुकाबला खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अकेले योद्धा की तरह लड़ते हुए विराट कोहली ने वह कारनामा इस मुकाबले में कर दिखाया, जिसको देखने के बाद अनुष्का शर्मा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर, लेकिन अगर आप भी विराट की बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे तो हमेशा से ही विराट कोहली चेस मास्टर के नाम से ही जाने जाते हैं। बड़े से बड़े कारनामे विराट कोहली कई बार कर चुके हैं और आज भी इस मुकाबले में कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिली। मुकाबला अंतिम चरण में था, अकेले योद्धा की तरह विराट लड़ रहे थे और मुकाबले में किस तरह से विराट ने गेंदबाजों का धागा खोला वह तो देखने लायक ही था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 176 रन बनाए थे। इस फॉर्मेट के हिसाब से यह स्कोर कोई कम तो नहीं था और ऐसे में जिम्मेदारी थी सभी खिलाड़ियों को मिलजुल कर यह रन बने थे, लेकिन टीम के सबसे अहम बल्लेबाज कप्तान फाफ डू प्लेसिस फ्लॉप साबित हुए। कैमरन ग्रीन भी कुछ खास नहीं कर सके, दो विकेट जल्दी गिर चुके थे, लेकिन विराट ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का सिलसिला पूरी तरह से जारी रखा। रजत पाटीदार ने थोड़ा सा साथ जरूर दिया, लेकिन सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। विराट लगातार अपने स्कोर कार्ड को आगे बढ़ते रहे। 31 गेंद में उन्होंने हार्दिक शतक लगाया और उसके बाद मुकाबला को जीत की दहलीज के पास ले आए, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की वजह से 49 गेंद में 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 77 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए। शायद यही मैच का टर्निंग पॉइंट था उसके बाद, लेकिन उसके बाद मुकाबला रोमांचक मोड पर था। हालांकि दिनेश कार्तिक और लोमरोर की धाकड़ बल्लेबाजी ने फैंस की सांस को थमा दिया और 8 गेंद में जरूरत 17 रन की जरूरत थी जिसके बाद अंत में आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन अनुष्का शर्मा ने इस बीच में बड़ा बयान जारी करते हुए खुशी जाहिर करी और उन्होंने कहा कि अच्छा लगा देखकर कि विराट कोहली के अलावा भी टीम के खिलाड़ी टीम को जीत दिलाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। यह काफी ज्यादा खुशी की बात है और मुझे लगता है जब टीम एकजुट होकर खेलती है तो ही हम आगे तक पहुंचाते हैं। विराट के बल्लेबाजी ने वह मोमेंटम सेट किया, उनके बल्लेबाजी आज वास्तव कमाल रही। उन्होंने अकेले दम पर योद्धा की तरह लड़ते हुए सब कुछ सेट कर दिया था और अंत में जिम्मेदारी थी खिलाड़ियों पर। दिनेश कार्तिक और लोमरो ने अच्छी बल्लेबाजी का टीम को जिताया, मुझे खुशी और मैं चाहूंगी कि आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन खिलाड़ी करते रहें और टीम विजेता बने। वैसे आप सभी आरसीबी की जीत का असली हकदार किसे मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं।